भाई साहब। महाकाल की ये संध्या आरती पूजन में हमारी पूरी टीम के साथ में आज हम इस पूजा आरती में शामिल हुए, और जैसे हमेशा महाकाल से हम केवल यही दरख्वास्त करते हैं कि देश और प्रदेश वासियों के लिए समृद्धता और सुखी जीवन के लिए कल्पना करते हैं, और यही हम आज महाकाल से भी ये हमने प्रार्थना किया है कि हम सब सुखी रहें, समृद्धशाली बने और देश आगे बढ़े, ये हम इच्छा करते हैं। महाकाल महम सुरेद्रम, भगवान महाकालेश्वर के मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व बड़ा ही धूमधाम से मनाया गया। उसी के अंतर्गत ही भगवान महाकालेश्वर का शिव विवाह के उपलक्ष में आज का प्रदोष के शिव उसके बाद में जो प्रदोष आता है उसमें हम भगवान महाकालेश्वर का भंडारा करते हैं, उसको रिसेप्शन के नाम से भी जाना जाता है। रिसेप्शन में जिस प्रकार शादी होती है उस प्रकार का पूरा प्रोग्राम होता है। वहाँ यहाँ उज्जैन में नगर कोट की महारानी के वहाँ एक स्थान है, वहाँ से भगवान महाकालेश्वर शिव की बारात आती है, जहाँ भंडारा होता है, जहाँ रिसेप्शन हो रहा है वहाँ तक आती है। तत्पश्चात जितना भी धार्मिक कार्य मांगलिक कार्य होता है विवाह का वहाँ पर संपन्न होता है। महिलाएं गीत गाती है, हल्दी लगती है, मेहंदी लगती है, मांगलिक कार्य होता है, मंगल गान होता है, मंगलाष्टक होता है, भगवान महाकालेश्वर का भंडारा होता है। लोग दूर दूर से दराज से भक्त लोग आते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। भंडारे में 56 प्रकार का भोग लगता है, भगवान महाकालेश्वर के भोग लगाया गया, उसके पश्चात प्रसाद वितरण होता है, प्रसाद ग्रहण करते हैं, और जो भगवान महाकालेश्वर का प्रसाद ग्रहण करते हैं अपने आप को धन्य समझते हैं।